फेमस जोधपुर स्वीट्स हैं, और अभी भी लोग बागों का कचौरी समोसे चाय के लिए बड़ा ही भीड़ लग रही है। ये बाबा रामदेव जी की मेन समाधि है। और वेलकम इन माय न्यू वीडियो। और आज हम जयपुर से जैसलमेर जा रहे हैं, और जयपुर से जैसलमेर की जो जर्नी है वो मैं दो टुकड़ों में ब्रेक करने वाला हूँ। अभी हम यहाँ से किशनगढ़ जा रहे हैं जो कि अराउंड 130 किलोमीटर्स है, और 130 किलोमीटर्स मैं अपनी कार से सफ़र कर रहा हूँ, और इसके आगे का सफ़र हम एक टेम्पो ट्रेलर के थ्रू करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ इस जर्नी में। आप देख सकते हैं अभी रात के 11 बज रहे हैं। भर के अंदर एक ही बड़ी फेमस जोधपुर स्वीट्स है, और अभी भी लोग बागों का कचौरी समोसे चाय के लिए बड़ा ही भीड़ लग रही है। रामदेव जी की ये मान्यता है कि ये यहाँ के एक राजा के कुल में पैदा हुए थे, और इन्होंने जल्द ही एज के अंदर वैराग्य प्राप्त कर लिया था, और इन्हें अपने परिवार से ज़्यादा मोह नहीं था, और लोग बागों को जो जो छोटी छोटी समस्याएं आती थी वो उनको सॉल्व कर देते, और इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए जिसको ये पर्चा बोलते हैं। 25-26 पर्चे इन्होंने दिखाए जिसके अंदर जैसे कभी मक्का मदीना से जो आने वाले हैं उनको इन लोगों ने चमत्कार दिखाया। इन्होंने किसी बच्चे को सांप के डंक से जिंदा किया, इन्होंने किसी की भेड़ बकरियों को सुरक्षित किया। तो रामदेव जी प्रॉपर के पिताजी विष्णु भक्त थे, द्वारकाधीश जी के भक्त थे, और उनके जो पुत्र हुए उनको भी पूरी वही शिक्षाएँ और दी गई, तो काफ़ी फेमस थे ये। ये जो दिख रहा है ये आपको रेलिंग टाइप का, और ये जो मेन गेट है ये एंट्रेंस है, और फिर यहाँ से ये जितनी भी लाइंस हैं इनमें से लग के आपको अंदर जाना होता है। यहाँ पे एक क्योंकि मुस्लिम समाज भी यहाँ पे काफ़ी मानता है, तो उनके लिए इन लोगों ने एक समाधि स्थल और जो इनका दरगाह टाइप का होता है मजार बना रखा है। और यहाँ पे अगर आप घूम के आएंगे तो यहाँ एंट्री पॉइंट है, यहाँ पहुँच जाते हैं, और ऐसे क्यू सिस्टम के अंदर आपको बाबा के दर्शन होते हैं। और ज़्यादा अभी मुझे तो 10 मिनट का टाइम लगा, अगर कोई नॉर्मल भी आता है तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। ये बाबा रामदेव जी की मेन समाधि है, और ये बिल्कुल हमको अंदर से दर्शन करने को मिल रहा है।